दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गुड क्वालिटी क्वेश्चन. ये सवाल यूपीएससी में आया है, ये सवाल एसएससी जीडी में आया है, ये सवाल सीजल के मेंस में आया है. मतलब ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें सवाल ना, ये सवाल कैट के पेपर में आया है, यूपीएससी के पेपर में आया था ये पिछले साल, सीजल के पेपर में आया था 6 साल पहले, जीडी के पेपर में ये आया है. कौन करेगा सवाल तगड़ा है. एक छात्र ने एक एग्जाम में 5 पेपर दिए, भाई एक एग्जाम में 5 पेपर हो रहे हैं, देखो पक्का यूपीएससी का है, जहां प्रत्येक पेपर के लिए पूरे अंक समान है, हर एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स सेम है. इन पेपर में उनके अंक 6, 7, 8, 9, 10 के अनुपात में आए, ठीक है, उसके जो मार्क्स आए हैं सब्जेक्ट में वो इस रेशियो उसने स्कोर किए. सभी पेपर में एक साथ उम्मीदवार कुल अंकों का 60% प्राप्त करता है, उसका जो टोटल मार्क्स आया है एवरेज जो उसका आया है कैंडिडेट का 60% उसने स्कोर किया है. तो कितने पेपर में उसके मार्क्स 51% से ज्यादा थे. देखिए 5 पेपर दिए, हर एक के मैक्सिमम मार्क्स समान है हर एक के, उसने जो मार्क्स प्राप्त किए वो 6, 7, 8, 9, 10 के रेशियो में प्राप्त किए, जबकि उसके मार्क्स आए कितने बच्चों 60%. आप बोलोगे हाँ जी सर, भाई साहब परसेंटेज और रेशियो एक ही बात है, अगर किसी आदमी के मार्क्स 6, 7, 8, 9, 10 के रेशियो में हैं 5 सब्जेक्ट में, तो उसके एवरेज मार्क्स कितने होंगे, 5 लगातार संख्याएं समांतर श्रेणी में, यानी कि उसके एवरेज मार्क्स होंगे 8 यूनिट, बीचों बीच में 8 आ रहा है, उसके एवरेज मार्क्स 8 यूनिट होंगे मेरे दोस्तों. तो 8 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 60% है, बोलो कितने गुना, 7.5 गुना. आप बोलोगे हाँ जी सर, सवाल में ये 8 यूनिट का मतलब ही 60% मार्क्स के बराबर है, पूछा कितने सब्जेक्ट में 51% से ज्यादा आए, तो अगर 8 यूनिट का मार्क मतलब 60% है तो 9 का मतलब 60% से ज्यादा होगा, 10 का मतलब भी 60% से ज्यादा होगा, इन तीनों में तो 60% से ज्यादा आए हैं. इस वाले सब्जेक्ट को देखो 7 की वैल्यू आप निकालो तो क्या आएगी, 7 की वैल्यू का जब हम 7.5 गुना करेंगे तो 49 और 3.5 52.5% मार्क्स है, यानी कि इस सब्जेक्ट में भी 7 यूनिट का मतलब 52.5% है, इस सब्जेक्ट में भी उसके 51% से ज्यादा आए. अगर मैं यहां पे देखूं 6 यूनिट का क्या मतलब है, 6 का अगर मैं 7.5 गुना करूंगा तो 45, 6 का मतलब 6 का 7.5 गुना 45, ये 51% से कम है, यानी कि ये चारों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें उसके मार्क्स 51% से ज्यादा है. सी ऑप्शन आंसर है. क्या बेहतरीन सवाल, क्या जबरदस्त सॉल्यूशन.